सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बेटा जल्दी जुड़ जाइए। आज का जो अपने पास में चैप्टर है आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है ना? क्या नाम है भाई मनीष? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री आपकी प्लस टू क्लास का थर्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट का थर्ड लेसन है, ठीक है? सेकंड लेसन आप पढ़ चुके हैं, वो थर्ड लेसन का जो नाम है मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ। अभी आपने बताया है, क्या नाम बताया बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को, इलेक्ट्रो का मतलब होता है वैद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिक, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल, केमिकल का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से रसायन, राइट? यस सर, अच्छा, तो बताओ इसका पूरा नाम क्या है हिंदी में? वैद्युत वैद्युत रसायन। रसायन, ठीक है ना? तो वैद्युत जो रसायन है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री की क्या बताया? ब्रांच है ना? तो इस केमिस्ट्री की ब्रांच में अपन क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। यहां से सबसे पहले मैंने ये वर्ड ले लिया, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैंने यहां पर लिख दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? और केमिस्ट्री से बेटा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, कौन सी एनर्जी? केमिकल केमिकल। एनर्जी, ठीक है? एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा है ना? तो यस इलेक्ट्रिकल, सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब कौन सी ऊर्जा है बेटा? वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा। और केमिकल का मतलब कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, वैद्युत ऊर्जा को यस सर, किसमें परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा का किसमें परिवर्तन? तो वैद्युत ऊर्जा में। मैं यहां से एक सेंटेंस बोल देता हूं ना कि रसायन विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो वो कहलाएगी कौन सी केमिस्ट्री आपकी? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री या वैद्युत रसायन, समझ गए? तो यस सर। थोड़ा सा और आगे रन करो बेटा। अंकिता यस अनम्यूट हो, सर। अंकिता अनम्यूट हो जाओ अंकिता। अच्छा गुड़िया, पहला पॉइंट बेटा मैंने क्या बताया कि वैद्युत ऊर्जा का किस में परिवर्तन? रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत रासायनिक ऊर्जा का किस में परिवर्तन? ऊर्जा इसका जो अंतः परिवर्तन का अध्ययन वो किस में करेंगे अपन? वैद्युत रसायन। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आगे चल रहा हूँ हल्का सा। इसमें कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ, कुछ 11th क्लास को भी कोलेटेड कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले एक वर्ड लिख दिया बेटा मैंने, REDOX, रेडोक्स रिएक्शन। क्या लिख दिया बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडोक्स रिएक्शन का मतलब है कि ऐसी अभिक्रियाएं होती है, या मैं कह सकता हूं रेडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन, ठीक है? ऐसी अभिक्रियाएं होती है विच इन्वॉल्व, जो क्या करती है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, राइट? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में बेटा रेड जो है ना, रेड, रेड का मतलब यहाँ किससे है मालूम है? रेड का मतलब है रिडक्शन से। किससे बेटा? रिडक्शन से।
रिडक्शन से। और यहाँ पर ओक्स, ओक्स का मतलब किससे है? ऑक्सीडेशन से। किससे? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन को बेटा हिंदी में बोलते हैं क्या? ऑक्सीकरण। क्या बोल दिया? ऑक्सीकरण। और रिडक्शन को क्या बोल दिया? अपचयन। अपचयन। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। याद कीजिए इलेवेंथ क्लास में बेटा रिडक्स रिएक्शन चैप्टर आपको पढ़ाया था, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, याद आया? अधिक विद्युतणी का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना, आया ना? यस सर। अच्छा तो ये बताइए मेरे को, रेडॉक्स जो अभिक्रिया है उसमें कितनी रिएक्शन मिलेगी, एक या दो? दो। तो एक रिएक्शन का तो क्या होगा बेटा? अपचयन। दूसरी का? ऑक्सीकरण। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कहने का मतलब एक पदार्थ का तो अपचयन होगा, अपचयन का मतलब वो पदार्थ अपचित होगा, और अपचित जो होगा इसका मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा, यही बात है ना? यस सर। वो पदार्थ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस का मतलब है वो हो जाएगा अपचयित हो जाएगा, राइट? यस सर। और ऑक्सीडेशन होने पर वो पदार्थ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीकृत। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। अच्छा बेटा आप म्यूट कर लो। नितेश भैया। हाँ सर। अच्छा तो बेटा अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, किसका परिवर्तन का अध्ययन करते हैं? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का किस में परिवर्तन है? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का किस में परिवर्तन है? विद्युत ऊर्जा में। तो ये क्या कहलाता है? विद्युत रसायन। अच्छा उसके बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है अपने पास में? एक तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? अपचयन। और क्या होता है? ऑक्सीकरण। अच्छा तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों पाया जाएगा तो उन अभिक्रियाओं को क्या बोलोगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? आगे चलो। हाँ सर। ठीक है बेटा अब मैं आप सर लो, उसके बाद में आगे चलता हूँ ना। फिर आ जाओ भाई अपने पास में, ये साहिल भैया। यस सर। अच्छा तो बेटा ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, यहाँ तक माइंड में क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। अच्छा मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे, मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन है तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाएगी रिडक्शन की ओर? ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण की है ना। अब मैं इस ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बताऊं? यस सर। चलो भैया अब आया अगला वर्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ठीक ना, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन दे देता हूँ ऑक्सीकरण की है ना। इसका ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन दैट मींस क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ साइल। क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है वो त्याग दिया गया या ग्रहण कर लिया गया? त्याग दिया गया। त्याग दिया गया तो इलेक्ट्रॉन का बेटा निकलना कहलाया या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहलाया? इलेक्ट्रॉनों का निकलना। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहलाता है।
और वो जो अपने पास में है आता है ऑक्सीडाइज हो गया। एक वर्ड आया था अपने पास में कौन सा, रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है हिंदी में क्या बोला बेटा मैंने, अपचयन। अपचयन, क्लियर। अब रिडक्शन का मतलब बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसका मतलब है उसका क्या होगा, अपचयन या ऑक्सीकरण? अपचयन। अपचयन, और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो ऑक्सीकरण। अच्छा, अब एक छोटी सी मैं रिएक्शन लिख दूं? यस सर। ये बताओ बेटा, मान लिया जाए मैंने ये किया, जेड एन जो है उसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिए दो इलेक्ट्रॉन, और ये बदल गया जेड एन प्लस टू में कन्वर्ट होगा, राइट? यस सर। तो बेटा ये बताइए कि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है? इलेक्ट्रॉन है उसने त्याग दिया या ग्रहण कर दिया? त्याग दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दूं बेटा? यस सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है बताओ ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अगर इसी रिएक्शन को बेटा मैं ऐसे लिखता है, एक दूसरा सी यू प्लस टू है, राइट? यस सर। उसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया कन्वर्ट इनटू सीओ में, अब बताओ इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है या लॉस किया बेटा? गेन किया है। गेन किया है, ग्रहण किया है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ये क्या कहलाएगी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन, तो आप बताओ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। आगे चलो मैं? यस सर। अच्छा, तो फिलहाल मैंने आपको तीन चार पॉइंट बताए हैं सर। चार पॉइंट क्या क्या बता दिया आपने? सबसे पहले तो मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, एंड देन उसके बाद मैंने बताया रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, उसके बाद में बेटा मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन क्या है, और उसके बाद में बताया आपको रिडक्शन क्या है, राइट? यस सर। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। आ गई। मैं थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ा देता हूँ, चलो। यस सर। अच्छा, तो भाई मौसम अनम्यूट करो बेटा। मौसम। यस सर। यहाँ तक बेटा क्लियर है क्या? माइक को थोड़ा सा ऊपर रखो, आवाज पहुंच रही है प्रॉपर? आवाज कम जा रही है आपके पास मेरे हिसाब से, ना सचिन भैया? यस सर। यस सर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? जी सर। अच्छा, सुनो, अब एक छोटा सा वर्ड और देता हूँ, होता है आपका ओसीडाइजिंग। भाई बेटा बैकग्राउंड साउंड आ रही है, तो बंद करो ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? क्या वर्ड लिख दिया मैंने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हिंदी में बोलेंगे कारक पदार्थ। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक। तो भैया सचिन आपसे ही साइड बैकग्राउंड आवाज आ रही है, मैं दूसरे को चेंज करता हूँ भैया ना। अच्छा, अब थोड़ा अब दूसरे सेकंड सचिन। यस सर। अच्छा, तो बेटा अपने पास कौन सा पॉइंट लिख दिया मैंने? ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक पदार्थ का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस होते हैं विच गेट्स रिड्यूस,
इसका मतलब क्या है, इनका खुद का तो क्या होता है भैया, रिडक्शन करते हैं ये, ठीक है, विच गेट्स रिड्यूस, मतलब आप खुद क्या हो जाते हैं भैया, रिड्यूस हो जाते हैं, आप हो जाते हैं। और जो अपने पास में जो दूसरा जो सब्सटेंस है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं जो अदर सब्सटेंस है, अदर सब्सटेंस है, उस अदर सब्सटेंस को ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। जब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसीलिए इसको बोला गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोल दिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में खुद का क्या होता है? अपचयन। अपचयन होता है। बट अपने पास में एक और लिखा मैंने, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिख दिया? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट एक ही बात है बेटा, या लिख सकता हूँ रिडक्टेंट, ठीक है। अपचायक पदार्थ, कौन से पदार्थ? अपचायक पदार्थ। अपचायक, तो अपचायक का मतलब खुद का तो क्या होगा, इट्स गेट्स ऑक्सीडेशन होगा या अपचयन होगा, खुद का ऑक्सीकरण, ये खुद का ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और सेकंड अदर सब्सटेंस का क्या करेंगे? अपचयन। अपचयन करेंगे, दैट मींस उसको रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। तो दूसरा जो सब्सटेंस है उसको रिड्यूस करेंगे, तो ये अपने पास में कौन से कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? यस सर। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई क्या? नो सर, नहीं आई। अब मैं थोड़ी सी बात और आगे चलता हूँ। मोनिका। यस सर। अच्छा बेटा, स्क्रीन पर देखो, ऑब्जर्व करो, ये कौन सा एलिमेंट है गुड़िया? जिंक। जिंक है ना, और उसी के साथ में ये कौन सा आयन है बेटा? कॉपर। अच्छा, अब इनके आपस में रिएक्शन होने के बाद में जिंक को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? प्लस टू। अच्छा, और कॉपर को सीओ में, राइट? यस सर। अच्छा, तो गुड़िया ये बताओ अपने पास में ये जो जिंक है, इस जिंक की जो मूल स्टेट है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीकरण अंक जो है वो कितना होता है? ऑक्सीकरण अंक जीरो। कितना होता है? जीरो। और यहाँ पर अपने पास में ZN प्लस टू में ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? प्लस टू। ये मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि अपने पास में जो एटम होते हैं न्यूट्रल, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य होता है, राइट? यस सर। और जो आयन है उसके ऊपर जो चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये बताओ कि जब ये जीरो से किधर कन्वर्ट हो गया, प्लस टू में या माइनस टू में? प्लस टू में। बेटा ये फिर पॉजिटिव में आया या नेगेटिव आया? पॉजिटिव में। बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। अच्छा, वृद्धि हो गई या कमी हो गई? वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई, तो बेटा जब वृद्धि होती है तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे क्या, ऑक्सीकरण बोलेंगे या अपचयन बोलेंगे इस रिएक्शन को? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो बताओ अपने पास ZN से ZN प्लस टू में जो कन्वर्जन है वो ऑक्सीकरण रिएक्शन कहलाई, क्या कहलाई बेटा? बुरी आवाज रिप्लाई नहीं आ पाई बेटा। ज्योति। यस सर। अच्छा, तो ये बताओ ऑक्सीकरण अभिक्रिया है आपके ना बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मुनिका बेटा आप थोड़ी देख ले, वो कर लो, बात करो ना। उसी के साथ में ये बताओ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बिल्कुल अच्छी बात कह दी है ना, लेकिन ये बताना बेटा यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है, ये जो जिंक है, तो जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ZN प्लस टू में। जिंक किस में हो गया? ZN प्लस टू में कन्वर्ट होगा, तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाए? ऑक्सीकरण।
अच्छा अभी जिंक जो सब्सटेंस है कौन सा सब्सटेंस बेटा? जिंक। जिंक सब्सटेंस है राइट। तो जिंक जो है उसका तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, तो ये जो जिंक सब्सटेंस है ये कौन सा पदार्थ कहलाएगा? अपचायक पदार्थ कहलाएगा या ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा? अपचायक। अपचायक। अपचायक पदार्थ को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर बात क्लियर होगी या नहीं होगी? यस सर। अच्छा तो इसका मतलब अपचायक पदार्थ का मतलब है जो दूसरे सब्सटेंस है उनका क्या करते हैं? अपचयन करते हैं, यही बात है ना? यस सर। अच्छा तो देखो दूसरा सब्सटेंस आपको कौन नजर आ रहा है? Cu+2। उसका देखो रिडक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे? यस सर। तो ये बताओ Cu+2 से जब Cu में कन्वर्ट हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन हो गया राइट। यस सर। बेटा जो Cu+2 जो सब्सटेंस है ये सब्सटेंस क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है अब मेरे को थोड़ा सा रिपीट करके बताओ हल्का सा। सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने आपको क्या पढ़ाने की कोशिश की है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा उसी के साथ में कौन सी रिएक्शन के बारे में बताया? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन पाई जाएगी बेटा? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब उसका रिड्यूस हो जाएगा, अपचित हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा राइट। यस सर। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे या ग्रहण कर लेंगे? त्याग देंगे। और बताओ रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा? ग्रहण करेंगे। अच्छा इस रिएक्शन में बताओ इस जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए या गेन कर लिए? लॉस कर दिए तो रिएक्शन कौन सी कहलाए? ऑक्सीडेशन। और Cu+2 ने बताओ ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? गेन। गेन कर लिए तो बताओ ये रिएक्शन कौन सी कहलाए? रिडक्शन। अच्छा अब एक और बात बताओ, मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ना। एक और आया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो खुद का तो क्या करते हैं? रिड्यूस। रिडक्शन करते हैं। और दूसरे का क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज। और इसका जस्ट रिवर्स कौन सा कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा? यस सर। अच्छा अब ये आपको रिएक्शन स्क्रीन पर शो हो रही है? यस सर। बढ़िया ये बताओ जो स्क्रीन पर जो रिएक्शन शो हो रही है उसमें ये रिएक्शन तो कौन सी है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण। ये वाली कौन सी है? रिडक्शन अपचयन। अच्छा तो ये बताओ इस रिएक्शन में दो रिएक्शन है या एक रिएक्शन है? सर दो है। कौन कौन सी है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अगर दोनों इस रिएक्शन में दोनों रिएक्शन है तो कम्प्लीटली रिएक्शन क्या कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अच्छा अब ये बताओ बेटा वापस से कि एक कोई भी जो सेल होता है, कोई भी क्या होता है? सेल। अच्छा उस सेल के अंदर बोल दो चाहे रेडॉक्स रिएक्शन में बोल दो, रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा कितनी रिएक्शन मिलेगी ये बताओ मेरे को? तो दो। दो। एक तो कौन सी मिलेगी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अच्छा कौन सी रिएक्शन में मिलेगी? रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें कितनी रिएक्शन बताई आपने? दो। अच्छा तो मैं ऐसे बोल दू तो ऑक्सीडेशन वाली तो क्या कहलाई? हाफ रिएक्शन कहलाई। और ये रिडक्शन वाले भी क्या कहलाए? हाफ। और दोनों मिलाकर के कम्प्लीटली रेडॉक्स हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। अच्छा ये वर्ड सुनना बहुत अच्छा है, अभी बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम ले रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो बेटा आपका कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है?
रेडॉक्स रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन में बी कंसीडर टू फॉर्म मेड अप ऑफ टू हाफ रिएक्शन. ये किसमें कितने हाफ रिएक्शन में मिलेगी? दो. टू हाफ रिएक्शन राइट. यस सर. वन इज पहले कौन सी कहलाई? एक तो ऑक्सीडाइजेशन और दूसरी कौन सी कहलाएगी? रिडक्शन. रिडक्शन. यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? यस सर. वापस से बोल रहा हूँ, फिर से समझना. रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कितनी रिएक्शन मिलेगी? दो. उन रिएक्शनों को क्या बोलेंगे? हाफ रिएक्शन. हाफ रिएक्शन में एक रिएक्शन तो कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन. दूसरी कौन सी होगी? रिडक्शन. हाँ, अगर जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसको कंप्लीटली अपन क्या बोल सकते हैं? ऐसे लिख दो बेटा मैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन राइट. यस सर. और इस वाले को क्या बोल सकता हूं मैं? रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिएक्शन हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ऑक्सीकरण. हाफ का मतलब आधी या पूरी? आधी. रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया. तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया. और ये वाली कौन सी होगी? अपचयन अर्ध अभिक्रिया. बेटा रेडॉक्स अभिक्रियाओं में कौन कौन सी अभिक्रिया पाई गई? दो. कौन कौन सी है नाम बोलो? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया. यस, अब मेरा उद्देश्य पूरा हो गया. तो ये बताओ, अगर मैं ZN जो है उसको कन्वर्ट करता हूँ ZN+2 में राइट? यस सर. तो ये बताओ बेटा, अपने पास में यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन. तो मैं इसको ऐसे बोल दूं तो कोई दिक्कत है? ये रिएक्शन कहलाई ऑक्सीकरण और आगे क्या बोल दिया मैंने? अर्ध अभिक्रिया राइट. यस सर. अच्छा, इसी के साथ में बेटा ये बताओ, Cu+2 उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए? दो. अब बताओ ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? रिडक्शन. रिडक्शन है. कौन सी है? रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब पूरी क्या लिखूं? अपचयन अर्ध अभिक्रिया. लाओ तो भैया आप चयन अर्ध अभिक्रिया हो गया. यस सर. अच्छा, आप म्यूट करो मुस्कान. यस सर. बेटा कितनी रिएक्शन लिख दिया आपने? दो. दो. अब इन दोनों को आपस में जोड़ दूं? यस सर. बेटा देखो, रिएक्शन से पहले यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो. और इस साइड में रिएक्शन के बाद कितने हैं? दो. दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. अब रिएक्शन से जस्ट पहले लिखो आप, है ना? तो रिएक्शन से पहले कौन है? एक तो ZN और कौन है बेटा? कॉपर. Cu+2 कॉपर. नहीं, कॉपर आयन बोलो. रिएक्शन के बाद कौन है? ZN+2. अच्छा, और कौन है? Cu. अब बेटा ये एक रिएक्शन है या दो रिएक्शनों का मिश्रण है? दो रिएक्शनों का मिश्रण. तो जब कौन कौन सी रिएक्शनों का मिश्रण है ये? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया. तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाए? रेडॉक्स अभिक्रिया. रेडॉक्स अभिक्रिया राइट. यस सर. हाँ या ना? यस सर. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी प्रकार से? नो सर. अच्छा, अब बेटा बात ये आती है कि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, जो हाफ रिएक्शन जो बना रहे हैं, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बना रहे हैं, अपचयन अर्ध अभिक्रिया बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं राइट? यस सर. अच्छा, इसका मतलब अपने पास में जो हाफ रिएक्शन जो है ना, अर्ध अभिक्रियाएं. कौन सी अभिक्रियाएं? अर्ध अभिक्रियाएं. तो जो हाफ रिएक्शन है उसकी जो फॉर्मेशन है अर्ध
अभिक्रिया, इनका जो निर्माण है वो कैसे होता है वो सुनो। किनका निर्माण बेटा? अर्ध अभिक्रियाओं का। अर्ध अभिक्रियाओं का निर्माण कैसे होता है? तो ये मेरे पास में कोई भी एक मेटल है, क्या बेटा? मेटल। मैं इसको ऐसे बोल दूं, मेटेलिक इलेक्ट्रोड है क्या ये? मेटेलिक इलेक्ट्रोड, या देसी भाषा में अपन बोलते हैं धातु की छड़ है। वैसे किसकी छड़ है ये? धातु की छड़। अच्छा, तो किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को, किसको बेटा? किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को अपन क्या करते हैं, डिप करते हैं, डबो देते हैं। किसमें डबो देते हैं? उन्हीं के इलेक्ट्रोलाइट में। किसमें डाल दिया बेटा? इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है अपने पास कौन से पदार्थ कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ। अच्छा, तो ये बात बताओ, किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को उन्हीं के आयनों के इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाता है, डबोया जाता है, तो डबोने के बाद में कौन सी रिएक्शनों का निर्माण होता है? अर्ध अभिक्रियाओं का। कौन सी अभिक्रियाओं का बेटा? अर्ध अभिक्रियाओं का। अर्ध अभिक्रियाओं का, बहुत अच्छी बात बताई। आगे चलो। यस सर। अच्छा, एक था अनम्यूट का ऑप्शन आ गया बेटा, देखो। बेटा जल्दी करो, अनम्यूट नहीं हो पा रहे आप। चार मिनट। यस सर। अच्छा गुड़िया, मान लिया जाए ये मेरे पास में कौन सी मेटल का इलेक्ट्रोड मान लिया मैंने? कॉपर का। कॉपर का, तो कॉपर इलेक्ट्रोड को किस में डालेंगे? उसी के विद्युत अपघट्य में। ये विद्युत अपघट्य कौन सा पदार्थ ले लिया? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, यस सर। अब बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, यस सर, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। इनके बीच में, किन किन के बीच में? एक तो इलेक्ट्रोड के बीच में, और किसके बीच में? इलेक्ट्रो कॉपर सल्फेट के बीच में क्या हो गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो गया। समझ रहे हो बात? नहीं समझ पा रहे? यस सर। किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाता है, किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के विद्युत अपघट्य में डाला जाता है। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा? विभवांतर उत्पन्न होता है। ये जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी विभवांतर को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। कौन सा विभव बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट मीन्स आपने क्या किया, किसी भी इलेक्ट्रोड को उन्हीं के आयनों के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, तो इनके बीच में डेवलप पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो गया? यस सर। मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोल देता हूँ, इसका मतलब शुद्ध हिंदी में क्या बोल रहे हैं वो सुनो। तो किसी भी किसको बेटा? इलेक्ट्रोड को, ठीक ना। तो किसी भी इलेक्ट्रोड को किसमें डालेंगे? उन्हीं के विद्युत अपघट्य में, राइट? किसको डाल दिया? यस सर। इलेक्ट्रोड को उन्हीं के विद्युत इलेक्ट्रोड को अपघट्य में।
तो उनके मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब ये बताओ बेटा, अगर मान लिया जाए अपने पास एक रिएक्शन का तो क्या होता है उसमें? ऑक्सीकरण। इसलिए अपन उसको पूरा नाम क्या बोल सकते हो मालूम है? ऑक्सीकरण। अर्ध अभिक्रिया की जगह अब क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोड विभव, है ना? यस सर। और अपचयन अर्ध अभिक्रिया की जगह दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। समझ गए? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक छोटा सा बेसिक पॉइंट बताया, लाइव में कन्वर्ट हो जाओ सभी, ठीक है ना? किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो राय ज्वाइन करके एक बार वीडियो ऑन कर लो।